इंसिडेंट ये था सर, हमारा जो रेगुलर कर्मचारी था भाई विनोद कुमार, वो यहाँ ड्यूटी पर कार्यरत था। उसी दौरान एक पुलिस चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी ने यहाँ अनऑथराइज जगह पर गड्डी लगाने की कोशिश की, तो हमारे गार्ड ने उससे वर्बली बड़ी विनम्रता से कहा कि सर ये यहाँ इस एरिया में ना लगाइए, आप गड्डी को थोड़ा सा आगे लगा दीजिए। पर उन्होंने उनकी एक नहीं मानी और थोड़ी साइड में गड्डी लगा करके दोबारा से उसको फिर आकर के जो है मारपीट की हमारे गार्ड के साथ। गार्ड हमारा वर्दी में था, तो उसके बाद जो है फिर हमारे गार्ड को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उसको फिर सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में मेडिकल वगैरह भी करवाई है और इन्होंने टेम्परेरी अभी जो है डीआर ही काटी है सर। लेकिन हमारा पीजीआई कर्मचारी जो यूनियन है उसका अनुरोध था कि आप जो है इसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लीजिए। अगर वर्दीधारी ही वर्दी का सम्मान नहीं करेगा और ड्यूटी जो है हमारा साथी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, उसका फर्ज है कि वो लाइन ऑर्डर को बनाए रखे और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखे, उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी के दौरान अगर इस प्रकार का हादसा होगा तो वो हमारे सभी साथियों में रोष है उसी वजह से। और हमारे सीनियर अधिकारी बात करने के लिए चौकी इंचार्ज के पास गए थे, उस दौरान चौकी इंचार्ज ने कहा कि मैं बाहर हूँ, आप बैठिए, मैं आके बात करती हूँ। तो जो वहाँ जो लेडी कांस्टेबल और छोटे कर्मचारी थे, हमारे सीनियर ऑफिसर के साथ बड़ी बदतमीजी से उन्होंने बातचीत की सर, और बड़ी गलत शब्दों का प्रयोग किया और हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बाहर निकाला। तो इस वजह से जो है हमारे सभी यूनियन में भी और सभी कर्मचारियों में भी रोष है। और चंडीगढ़ पुलिस का चंडीगढ़ पुलिस का मुलाजम था और चंडीगढ़ पुलिस की ही चौकी जो है हमारी पीजीआई में है, उसके जो कांस्टेबल है जो उसने जो है हमारे सीनियर अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया, उसके लिए भी जो है हम खफा हैं। इसके बारे आपका प्रोटेस्ट ये क्या है अभी तक? हमारा यही था सर, पहले तो वो अपनी किए का जो है वो माफी मांगे उसके लिए। अभी हालांकि चौकी इंचार्ज मैडम वो आई थी अपने बिहाव पे, उन्होंने अपने कर्मचारियों के बिहाव पे सॉरी फील की है। लेकिन हमारा आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि जो ये साथी था जो चंडीगढ़ पुलिस का, हालांकि अखबार में आया भी है कि वो नशे में था और उन्होंने हमारे साथी के साथ जो मारपीट की है, वर्दी का अपमान किया है, उसके लिए उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी प्रोटेस्ट आपका चल रहा है? अभी प्रोटेस्ट हमारा वो सेक्टर 11 में गए हैं, एफआईआर उस पर जब तक नहीं कटेगी तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। यही धन्यवाद सर। इंसिडेंट ये था सर, हमारा जो रेगुलर कर्मचारी था भाई विनोद कुमार, वो यहाँ ड्यूटी पर कार्यरत था। उसी दौरान एक पुलिस चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी ने यहाँ अनऑथराइज जगह पर गड्डी लगाने की कोशिश की, तो हमारे गार्ड ने उससे वर्बली बड़ी विनम्रता से कहा कि सर ये यहाँ इस एरिया में ना लगाइए, आप गड्डी को थोड़ा सा आगे लगा दीजिए। पर उन्होंने उनकी एक नहीं मानी और थोड़ी साइड में गड्डी लगा करके दोबारा से उसको फिर आकर के जो है मारपीट की हमारे गार्ड के साथ। गार्ड हमारा वर्दी में था, तो उसके बाद जो है फिर हमारे गार्ड को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उसको फिर सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में मेडिकल वगैरह भी करवाई है और इन्होंने टेम्परेरी अभी जो है डीआर ही काटी है सर। लेकिन हमारा पीजीआई कर्मचारी जो यूनियन है उसका अनुरोध था कि आप जो है इसके खिलाफ जो है सख्त एक्शन लीजिए। अगर वर्दीधारी ही वर्दी का सम्मान नहीं करेगा और ड्यूटी जो है हमारा साथी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, उसका फर्ज है कि वो लाइन ऑर्डर को बनाए रखे और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखे, उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी के दौरान अगर इस प्रकार का हादसा होगा तो वो हमारे सभी साथियों में रोष है उसी वजह से। और हमारे सीनियर अधिकारी बात करने के लिए चौकी इंचार्ज के पास गए थे, उस दौरान चौकी इंचार्ज ने कहा कि मैं बाहर हूँ, आप बैठिए, मैं आके बात करती हूँ। तो जो वहाँ जो लेडी कांस्टेबल और छोटे कर्मचारी थे हमारे सीनियर ऑफिसर के साथ बड़ी बदतमीजी से उन्होंने बातचीत की सर, और बड़ी गलत शब्दों का प्रयोग किया और हमारे जो सीनियर ऑफिसर थे उनको बाहर निकाला। तो इस वजह से जो है हमारे सभी यूनियन में भी और सभी कर्मचारियों में भी रोष है। और चंडीगढ़ पुलिस का मुलाजम था और चंडीगढ़ पुलिस की ही चौकी जो है हमारी पीजीआई में है, उसके जो कांस्टेबल है जो उसने जो है हमारे सीनियर अधिकारी के साथ गलत व्यवहार किया, उसके लिए भी जो है हम खफा हैं। इसके बारे आपका प्रोटेस्ट ये क्या है अभी तक? हमारा यही था सर, पहले तो वो अपनी किए का जो है वो माफी मांगे उसके लिए। अभी हालांकि चौकी इंचार्ज मैडम वो आई थी अपने बिहाव पे, उन्होंने अपने कर्मचारियों के बिहाव पे सॉरी फील की है। लेकिन हमारा आपके माध्यम से भी अनुरोध है
कि जो ये साथी था जो चंडीगढ़ पुलिस का, हालांकि अखबार में आया भी है कि वो नशे में था और उन्होंने हमारे साथी के साथ जो मारपीट की है, वर्दी का अपमान किया है, उसके लिए उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी प्रोटेस्ट आपका चल रहा है? अभी प्रोटेस्ट हमारा वो सेक्टर 11 में गए हैं, FIR उस पर जब तक नहीं कटेगी तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। यही, धन्यवाद सर।